दोस्तों आपन समस्त को आम चैनल क्रिएट बिजनेस आइडिया स्वागत तेज आपण मैंने निश्चित भाव में ओरी अच्छा ओटेट वेसेट को नहीं ओरी अच्छा ओटेट भी आप कह रखा चाहिए एक्जाम आप मार्च लास्ट वीक सुधा 27-28 तारीख सुधा मोस्टली होती एंड जदि कह ओएसएट कथा ओएसएट एप्रिल आपणकर मसरे एप्रिल लास्ट आड़ सुधा नोटिफिकेशन आसीज आपर एंड आम क्लास भी स्टार्ट होती मुझे विषय कह चाहूँ मुदा या जे ओएसएस रिजल्ट आसा सीटेट रिजल्ट आसा सीटेट रिजल्ट आपन को गोटे चिंतार पकई को देखे आप देखिपारे जो मैंने लबे रु कम रखिंट 82 अधिक लबे रु कम ओबीसी एससी एसटी से क्वालिफाई आप जानते 55% तो तार टर्म गोटे थाए जोटा को हुए तो कौन सी टीएड मारू ना कि सीटेट प्रथम थर में मानी आगुरी सेमती हो ना क्वालिफाइड लेखा आसा एडी टू में क्वालिफाइड लेखा आसुनी कि नॉन क्वालिफाइड लेखा आसुनी अर्थात 82 90 भितर आपड़ी मार रखुच्च कौन सी टीएड्रे ओटेड क्या कहीपरि क्वालिफाइड आप जो सर्टिफिकेट आसो सीटेट्रे डिस्क्वालीफाइड सर्टिफिकेट भी आसे आपर तेणु जो मैंने क्वालिफाई करें क्वालिफाई न कर तो आप 82 रु 90 भितर जो रखिंट से नॉट क्वालिफाइड ना डिस्क्वालीफाई किसी भी लेखा आसनी अर्थात से कंसीडर कर दिजिव जो मैंने रिक्रुटमेंट बॉडी रही है जो मैंने रिक्रुटमेंट करेंगे से कंसीडरेशन छड़ाला एवं यह टीएटर रूल ओके टीएटर रूल या तो ओडिशा रे किंतु 50% दिया जाउछ 50% क्वालिफाई अर्थात 75 क्वालिफाई 82 भी दिया जाउनी 75 क्वालिफाई दिया जाउछ एवं लबे मार्क आपनकर जनरल प्लाज माने जनरल कैटेगरी से लबे मार्क क्वालिफाई एवं आमे यदि कहबा बहुत सारा आप कन्फ्यूजन थी जो युआर कैटेगरी सिलेक्ट हाँ न हाँ यू कन्फ्यूजन थी बर्तमान कन्फ्यूजन आप रखुनि कहीं से केसटा हाईकोर्टे जहाँ जजमेंट आसा तो कोई सरकार मानले से केस बर्तमान सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग अच्छी ठीक अच्छे एंड समथिंग रथ तर केस लड़ुन सुस्मित मैडम तो मुझे कही रखा चाहिए आप मैंने जदि सीटेट्रे रखुच्च 82-90 आपको देखे देखिए सीटेट्र रिजोल्यूशन देखेबी ओटेट रिजोल्यूशन देखे आप देखिए दुईट जाक सीटेट्र सर्टिफिकेट देखेबी ठीक अच्छे तो जो मैंने 82-90 रखुच्च आप देखिए ना आप क्वालिफाइड लेखा आसी ना डिस्क्वालीफाई लेखा आसी अर्थात आप क्वालिफाई तो करके डिस्क्वालीफाइड भी हो पाए कौन से रिक्रुटमेंट बॉडी चाहिए तो ओनली 60% मार्क्स जो टीएड क्वालिफाई करें किंतु सेमती किसी हेनी आप सब जॉब प्रिफरेबल हे डीएसबी कहतु आपणकर केवीएस कहतु एनवीएस कहतु कि इन फ्यूचर 2-3 वर्ष 4 वर्ष पर कंपिटिशन टफ होगा टफ तो होगा आफ होगा हूं तो आपको से सुजोग वंचित कर दे पाए तेनाली चेषा करूँ समस्त टीएड्रे 90 रखापी और रेट 90 रखा किसी कष्टर कथ नुहे आपश्रम कले रखिपारे तो आम निश्चित भाव आम देखी ना जहाँ भी रही गाइडलाइन और से गाइडलाइन आधार में कौन जहाँ गाइडलाइन आधार ही कौचे आप देख ना जानपरेंगे चलन देखी ना तो आप देखी नि देखा आप देखिपारे तो ये आप देखते ये आप क्वालिफाइड लेखा आंड नॉन क्वालिफाइड लेखा ठीक अच्छे कहीं 92 रखुच्च मैंने क्वालिफाए ये आप 74 समथिंग रखिंट तेज नॉन क्वालिफाइड लेखा आंतु जेहतु ये युआर कैटेगरी जो पिला जेनेल कैटेगरी तेनाली जदि यहाँ आपणकर आसो एससीबीसी एससी एसटी पिला आसो एंड 82-90 मध्य आसो तेल आप क्वालिफाइड लेखा आ नॉन क्वालिफाइड लेखा किसी लेखा ब्लैंक आसो बर्तमान सीटेट गाइडलाइन को जी और ओटेट गाइडलाइन देखने कौन अच्छी आप पक्षर रहस्य तो यहाँ सीटेट्र बुलेटिन आप देखते 2020 आप देखिए ये आप 9 पॉइंट आप मानने बेसिकाली कहुई क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कहुई आप देखते 9 पॉइंट एंड गोटे क्या सीटेट ओटेट सब जगह 7 वर्ष वैलिड कौन से वैलिड बढ़ी केवल प्रोपोजल थी प्रोपोजल को रूल इम्प्लीमेंट कराएं क्वालिफाई मार्क आप देखिए आप देखिपारे आज फर एनसीटी 2010 नोटिफिकेशन फॉलो करा वर्तमान भी फॉलो कराबर आपण कनभर्ट मैंने रिवाइज कराइल 11 मसीह
ସେଥିରେ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ସ୍କୋର 60% ଅର୍ ମୋର 60% ତାରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରୁଛି ସେ ଟିଏଡ଼ ପାସ୍ ବୋଲି କନସିଡ଼ର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ, ଯେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ବଡିଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ୍ ଅନଏଡେଡ୍ ମେ କନସିଡ଼ର ଗିଭିଙ୍ଗ କନସେସନ୍ସ ଦ ପର୍ସନ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଡିଫରେଣ୍ଟଲି, ଯେଉଁମାନେ ଆଡେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କନସିଡ଼ର କରିପାରେ, ଓକେ, ବିଲୋ ମାର୍କ କନସିଡ଼ର କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 82ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 90 ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର 55% 60%, 55% କଥା ବି କେଉଁଠି ଦିଆଯାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ NCT 2010 ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 10 ମେନସନ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରିବା। 55%ରୁ 90 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବଡ଼ିକୁ ଦିଆ ଦିଆଗଲା, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବଡ଼ି ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ନ ନେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିପଦର ଖଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଝୁଲିକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ, KVS NVS ଯାହାକୁ ଆସିବ ଏଇ ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ, ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ସିଟେଡ଼ ଏଥର ଏଇ ଜିନିଷଟା ମେନସନ୍ କଲା, 55% ମେନସନ୍ କଲା ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି 60% ମେନସନ୍ କଲା, ଏବଂ ଓଟେଡ଼ରେ ବି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଓଟେଡ଼ ଆପ୍ଲିକେଟ୍ ମୁଁ 18 ଦେଖାଉଛି, 18,021 ପ୍ରାୟ ସେୟା ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇଦେବା ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ କଥା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୁହାହେଇଛି 60% ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଏ, କିନ୍ତୁ 5% ମାର୍କ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯିବ ଇନ୍ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ଓଟେଡ଼ର 2000 ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଠି କ୍ଲିୟର୍ କୁହାହେଉଛି ମାନେ 60%ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି କନସିଡ଼ର ଟିଏଡ୍ ପାସ୍। ତ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ଓବିସି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଂ 50% ସିକ୍ୟୋର ସ୍କୋର 50% ମାର୍କ ଟୁ ବି କନସିଡ଼ର୍ଡ ଆଜ୍ କନସିଡ଼ର କରାଯିବ ଟୁ ବି କନସିଡ଼ର୍ଡ ଟିଏଡ୍ ପାସ୍। ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଓଟେଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ସିଟେଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କନସିଡ଼ର କରାଯିବ ସିଟେଡ଼ ପାସ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କୁହାହେଉଛି ଆପଣ ଟିଏଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ NCT ର ଟିଏଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର କୁହାହେଇଛି ଏ କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିଛି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ପିଲା ଓରି ହେଉଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ 90 ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ 10-15 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ରଖିବେ ମୁଣ୍ଡରେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଟିଏଡ଼ ପାସ୍ କରିଛି, କେବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଡ଼ର କରୁନଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଟିଏଡ଼ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପିଟେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯେ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୁହେଁ ଦିଆଯାଆନ୍ତୁ।